दोस्तों, IBM के द्वारा फ्रेशर्स के लिए 2023 की हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। IBM ने अनाउंसमेंट ये कर दी है कि वो रिक्रूटमेंट कर रहा है विद 12 LPA पैकेज के साथ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से बैच वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम इसी प्रकार के आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहती है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे सिंपली एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो पोजीशन रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि IBM कौन कौन से बैच वाले स्टूडेंट को हायर कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो IBM की ऑफ कैंपस ड्राइव, यहाँ पे 2021, 22, 23 के जो बैच वाले स्टूडेंट हैं, जो कि फ्रेशर है, उनके लिए ओपनिंग्स रखी गई हैं। तो इन तीनों में से कोई सा भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो आपका अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए और 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पे 3-4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटोग्राफी, फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, कॉलेज आईडी या फिर आधार कार्ड। तो यहाँ पे आप सभी को पहले स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि स्टाइपेंड आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। यदि आप बीटेक कैंडिडेट है और आप एमटेक कैंडिडेट है, तो आपको 40,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी पैकेज दिया जाएगा। एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ 11 लाख और 12 लाख, और यहाँ पे आपको 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, आपको बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर बीई या एम ए नहीं, एम ई या एम टेक आप करे हुए होने चाहिए। यहाँ पे जॉब लोकेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, इन सब में से कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। वर्चुअल आपका जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है, टेस्ट डेट अभी इनफॉर्मल है, अभी तक नहीं बता सकते कि कब है। ठीक है, और यहाँ पे 70% या फिर 7 CGPA आपकी होनी चाहिए विद नो बैकलॉग। कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या AI या ML, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट होती है, ब्रांच होती है, तो वो आपकी होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो स्टेप वन में आपको इस लिंक पे जाना है। तो सिंपली ऐसा कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और प्रोसेस को करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या मांगेगा, रेफरेंस नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपके रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, कैंडिडेट रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर को यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी अप्लाई आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यदि चाहिए उसकी वीडियो चाहिए कि आपको किस तरह कौन सा जो चीज़ है उसको फिल करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आए कि वीडियो बनानी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वीडियो जरूर डलेगी कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यही यार, पहले आप इस पर रजिस्टर करके फिर यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, फिर इस पर रजिस्टर कर दीजिएगा। और यदि प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आप सभी के कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और कोई डाउट होता है यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।